हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 7/25, एंड फिर हमें थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा को छोड़कर जो अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसका नाम दे देंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है ABC। आप कोई और भी दे सकते हैं, लाइक PQR और XYZ, जो आपको मन करे, ठीक है ना। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल B जो है वो है 90 डिग्री, एंड एंगल A को हमने कंसिडर किया हुआ है थीटा डिग्री। अब देखिए, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था कि कौन सा ट्राइंगल हमें लेना है, तो हमने इसे कंसिडर किया है, इसलिए इस बात को हमें क्वेश्चन में मैंशन कर देना है। तो चलिए इसे लिख देते हैं, लेट ट्राइंगल ABC इन विच एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल्स थीटा डिग्री। देन देखिए, क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा का वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल्स। अब यहाँ पे आप थोड़ा रुक जाइए, देखिए हमें मालूम है कि कॉस थीटा इक्वल्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड यहाँ पे हमारा बेस कौन है, AB, एंड हाइपोटेनियस कौन है, AC। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं AB अपॉन AC। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब 7/25, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाला बात है कि यहाँ पे जो कॉस थीटा इक्वल्स आपने लिखा है AB अपॉन AC, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा है वो एक्चुअल में क्या है, तो बेस एंड हाइपोटेनियस का रेशियो है, और ये हमें गिवन है। बट देखिए, ये रेशियो है इसलिए हम यहाँ पे AB इक्वल्स 7 एंड AC इक्वल्स 25 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हमें K के टर्म में कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, लेट AB इक्वल्स 7K एंड AC इक्वल्स 25K। अब देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें इसका बेस और इसका हाइपोटेनियस मिल गया, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। अगर मैंने परपेंडिकुलर को फाइंड कर लिया तो हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है उसे बड़े आसानी से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AB बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, हमें AC का वैल्यू पता है जो कि कितना है 25K का स्क्वायर इक्वल्स, BC का वैल्यू हमें नहीं पता है तो यहाँ पे BC स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस AB का भी वैल्यू हमें मालूम है तो यहाँ पे लिख देते हैं 7K का स्क्वायर। अब देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, BC, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल्स 25K स्क्वायर माइनस 7K स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 625K² माइनस 49K², इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 576K². अब यहाँ से हम लोग BC फाइंड कर सकते हैं, तो ये वैल्यू रूट के अंदर चला जाएगा 576K², और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 24K। तो देखिए,
बी सी भी हमें मिल गया 24 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस तीनों वैल्यू मिल चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू तो हमें गिवन है, तो हम लोग साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। ऐसे आप किसी भी रेशियो को पहले फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी यहाँ पे साइन थीटा ही पहले फाइंड करें। तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी, और बी सी का वैल्यू कितना है हमारा 24 के, और ए सी का वैल्यू हमारा कितना है देखिए 25 के। तो के एंड के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा 24/25। साइन थीटा हमने फाइंड कर लिया, कॉस थीटा क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ से टेन थीटा फाइंड कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड साइन थीटा का वैल्यू कितना है 24/25। ठीक है, एंड कॉस थीटा का हमारा वैल्यू कितना है देखिए क्वेश्चन में गिवन है 7/25। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 24/25 × 25/7। 25 25 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 24/7। ठीक है, अब यहीं पे देखिए हम लोग कॉट थीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 7/25। ठीक है, अब देखिए नीचे में जब आप यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो जो साइन थीटा का वैल्यू है कितना है देख लेते हैं 24/25, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 25/24, 25 एंड 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा 7/24। तो कॉट थीटा भी हमें मिल गया, साइन थीटा हमने फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1/sin थीटा का वैल्यू हमारा कितना है देखिए 24/25, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 × 25/24 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 25/24। तो कॉसेक थीटा भी हमें मिल गया, अब हम लोग सेक थीटा को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, और लिख सकते हैं यहाँ पे 1/cos थीटा का वैल्यू हमारा कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 7/25, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 × 25/7। तो यहाँ से हमें जो सेक थीटा का वैल्यू है ये कितना मिल जाएगा 25/7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया।